उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूर सकुशल वापस लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के साथ ही परिजनों ने फूल माला के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री, श्रमिक एवं उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी स्पष्ट रूप से झलक रही थी, क्योंकि बिहार के 5 समेत कुल 41 मजदूर कई दिनों तक सुरंग के अंदर जीवन से संघर्ष करके सकुशल वापस बाहर निकले थे। पटना एयरपोर्ट से भी सभी मजदूर अपने अपने घर के लिए बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से रवाना हुए। इन मजदूरों को सकुशल घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के अधिकारी भी साथ साथ गए हैं। मजदूरों ने सुरंग में अपने जीवन के संघर्ष को साझा किया। बिहार सरकार का भी मैं भारी हूं कि उत्तराखंड से मुझे अपने घर तक ले आई है और आगे भी दिया है आश्वासन। विधायक लोग, मंत्री साहब लोग हैं, दिए हैं आश्वासन कि आप घर जाइए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं। आप देखिए वो अपने वादे पे कितने खरे उतरते हैं, देखने वाली बात है। वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आप लोग से मिलने गए हुए थे, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, बीके साहब आए हुए थे और माननीय धामी साहब भी थे। धामी साहब तो कंटिन्यू थे वहाँ पे, धामी साहब हमारे कंटिन्यू वहाँ रहते थे और हम लोग से फोन पे भी बात करते रहते थे। बीके साहब भी बात करते रहते थे और हमारी कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी हम लोग का बहुत ख्याल रखा। डे नाइट क्या हम लोग को चाहिए सारा चीज भेजा, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी हमें चाहिए, जरूरत के सामान टोटल चीज भेजा। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बस कई असफल प्रयास के बाद सफलता मिली थी, कई असफल प्रयास के बाद सफलता मिली थी। वो तो बाहर में सफलता नहीं मिली थी, बाकी अंदर में जो हम लोग थे, हम लोग को मालूम था कि आज न कल, कल न परसों हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि काम में दिक्कत आता है एक दो दिन। और खाने पीने का हम लोग के पास कोई कमी नहीं था, खाने पीना हम लोग का महीना दिन का हो गया था अवेलेबल। की अगर दिक्कत थी भारत सरकार निकाल के लाएगी, निकालेगी और निकाल ली हम लोग को। वही मंत्री सुरेंद्र राम ने मजदूरों के सकुशल वापसी पर खुशी जताते हुए बिहार सरकार द्वारा इन मजदूरों के लिए किए जा रहे इंतजाम की जानकारी दी। बताते चले कि बिहार के जो मजदूर वापस लौटे हैं, उनमें मुजफ्फरपुर के गिजास गांव के दीपक, तिलौथू के चंद्रपुरा निवासी सुशील विश्वकर्मा समेत अन्य मजदूर हैं। आपको बता दें कि सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद मजदूरों को सबसे पहले चिन्याली सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर उनकी जांच पड़ताल हुई थी, जिसके बाद मजदूर अब अपने अपने घर को लौट रहे हैं और परिजनों में बेहद ही खुशी है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।